जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। और अभी आप लोग देख लो, हम हैं उदयपुर में और आज यहाँ से निकल रहे हैं। यार ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन क्या बताएं, इतनी कमाल की लोकेशन में रुके हैं। आप पीछे देख लो, हमारे पूरे सिटी का व्यू मस्त आपको मिल रहा होगा। यहाँ पे अभी सनराइज हो रहा है, सुबह के 6:40 हो रहे हैं। अभी बस एक घंटे बाद अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस है, लेकिन उसमें मैं आपको बहुत लंबी जर्नी नहीं दिखाने वाला हूँ। बस चित्तौड़गढ़ तक ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोग वहाँ का फोर्ट एक्सप्लोर करने निकल रहे हैं। कोई खास वंदे भारत की कवरेज नहीं है, मैं खुद बोर हो चुका हूँ वंदे भारत कवर करके। बस अभी होटल से चेकआउट कर रहे हैं। मेवाड़ी विला में मज़ा बहुत आया, होटल बहुत ही अच्छा है, इनका रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है। तो बस अब चलते हैं सीधा आपसे स्टेशन में मिलते हैं। हाय मोहित भाई। अरे भाई, इंदौर में मिलते हैं। अलग अलग साधन से जा रहे हैं, एक कार से, एक बाइक से, एक ऑटो से। अच्छा देखो, श्रेयांश यहाँ पे अकेले निकल रहा है, इसके पीछे भी एक सीक्रेट है, वो आपको रेलवे स्टेशन पहुँच के बताऊंगा मैं ऐसा क्यों किया हम लोगों ने। बाय श्रेयांश। स्टेशन जाने के लिए तीन तीन गाड़ी सोचा है आपने, एक ऑटो, दो कैब। ये देखो ये स्पेशियस था यार, सबका आ जाता है। उदयपुर रेलवे स्टेशन तो आ गए यहाँ पे, एक नंबर पे तो खजुराहो खड़ी हुई है, वंदे भारत अपने शायद तीन नंबर से जाएगी। तो यहाँ पे खड़ी अपनी उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, इसी के दीवाने हैं सब लोग। मोहित भाई तो इसका ब्लॉग बनाने के लिए कब से इंतजार कर रहे थे, क्यों मोहित भाई? नहीं भाई, बस अपडेट दे रहे लोगों की, हम लोग जा रहे हैं चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ जाने के लिए अगर उदयपुर से जा रहे हो तो ये बढ़िया ट्रेन लगा मेरे को। सुबह सुबह मतलब अच्छा खासा ऑप्शन है आपके लिए। लुक तो काफी कमाल का है गाड़ी का, फीचर कौन बता रहा है? बिल्कुल राइट टाइम ट्रेन यहाँ पे निकली है उदयपुर से। लेकिन एक चीज आप लोगों को बता दूं, रूट बहुत सुंदर है यहाँ से चित्तौड़ का, तो थोड़े बहुत नज़ारे भी आपको दिखाएंगे। बाकी वंदे भारत में अपना फोकस नहीं रहने वाला है, इन ट्रेनों को आपने बहुत बार मेरे साथ देखा है, तो वंदे भारत से अपने कोई मतलब नहीं। आप इंजॉय करो मेरे साथ ये रूट बस। संदीप भाई यहाँ पे कुछ मोबाइल में देख रहे हैं, मोहित भाई वहाँ पे एडिटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे देख लो भाभी भी कुछ मोबाइल में लगे हुए हैं। तो कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहता, मैं और श्यास बस डटे हुए हैं मेहनत के साथ, वो भी रूट दिखाने के लिए आपको, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देख लो मीटर गेज की ट्रेन खड़ी है, और रेल बस देखो आप, डीजल रेल बस यहाँ भी आ चुकी है, सारथी नाम की, छूट पे शायद चलने को मिले। मावली जंक्शन ट्रेन जो है अभी एंटर कर रही है, वो देखो यहाँ पे नकली स्टीम इंजन जो रेलवे ने बनाया पब्लिक के लिए, लुक स्टीम का कर दिया गया इसका, इसको मैं नकली इंजन ही कहूंगा, इसको कोई फायदा है नहीं। अगर स्टीम रेल लोकोमोटिव के साथ ट्रेन चलाते तो हमें इंटरेस्ट रहता जाने का, पर अगर ऐसे रेलवे चला रही चाहिए तो यार मजा नहीं आएगा। मावली जंक्शन इसलिए जंक्शन है जहाँ से आपको नाथद्वार की लाइन मिलती है, मारवाड़ के लिए आपको ट्रेन मिल जाती है ऐसी मीटर गेज की, साथ साथ यहाँ से आप जा सकते हो बड़ी सादड़ी के लिए भी, उदयपुर बड़ी सादड़ी ट्रेन भी चलती है। अगर आप देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, बाकी निकल रहे हैं चित्तौड़ की ओर। तो भाई यहाँ पे आप देख लो ब्रेकफास्ट में ये सभी चीज़ें आई हैं सुबह सुबह, एक कटलेट है, ये सब्जी आलू की। संदीप भाई भी इसे इंजॉय कर रहे हैं, कैसी है भाई सब्जी? ब्रेकफास्ट अच्छा है? ब्रेकफास्ट में तो भाई मज़ा आ गया। बाकी एक लोटे चौको पाई दिया, ये मुझे बहुत पसंद है, और ये पराठे हैं जिसमें मेथी वाला टच है ना, वो बहुत सही लग रहा है। देखिए इसकी सब्जी मैंने टेस्ट की, बहुत बढ़िया लग रही है। अब कटलेट का भी रिव्यू हो ही जाए,
ही जोरदार। ब्रेकफास्ट तो बहुत अच्छा लगा इस ट्रेन का मुझे, लिटरली ये वर्थ इट एक्सपीरियंस है इसका तो ब्रेकफास्ट का। अच्छा कि हमने कैटरिंग चार्ज पे कर दिया था ना, 140 कुछ दिया था, इसमें चाय पानी और ब्रेकफास्ट है अच्छा खासा। चलिए बस चित्तौड़गढ़ में मिलते हैं, 10 किलोमीटर बचा है। देखो भाई चित्तौड़गढ़ हम लोग पहुंच गए हैं और बहुत ही शॉर्ट जर्नी थी, मजा आया लेकिन इसमें सबके साथ यात्रा करके। और देखो जेल के कैदियों जैसे बाहर जा रहे, दरवाजे कब खुलेंगे भाई। फाइनली चित्तौड़गढ़ जंक्शन हमारा है। लो भाई अराउंड कितना बजे फाइनली यार वंदे भारत से चित्तौड़गढ़ आज के दिन, अब यहाँ जाएंगे होटल। होटल भी आपको दिखाएंगे कितने का पड़ा, क्या है, कैसा रूम है, क्योंकि मुझे होटल बहुत अच्छा वाला मिल गया है इसलिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसके लिए, वो आपको दिखाना है। फिर सामने चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है वो दिखाने ले चलेंगे, और एक रिजर्वायर है, वाटर रिजर्वायर, वो भी दिखाएंगे। पूरा चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे जैसे आपको बाहर मिल जाएगी चाय, यहाँ पे रजवाड़ी चाय पे आप चाय वगैरह पी सकते हो। चने स्टेशन से पहले रोहित भाई को रिकमेंड किया था ये जगह मैंने, चाय के लिए हमेशा यहीं आते हैं। बार बार मैं एक ही बात बोलूँगा, सत्या भाई का जो फूड चॉइस है ना भाई, एक नंबर है। सत्या भाई अगर किसी जगह को रिकमेंड कर रहे हो, आँख बंद करके वहाँ जाओ और ट्राई करके देखो, आपको बढ़िया ही लगेगा वो। इन्होंने छोटा कप चाय लिया है, भाभी की चाय फेवरेट, उन्होंने एकदम बड़ा कप लिया है। बनारस मोती तो बड़ा वाला खुरवा पकड़ा देते वो बनारस। चित्तौड़गढ़ में हम लोगों ने पहली चीज़ जो की है वो है ऑटो, ठीक है। ऑटो आप भी बुक कर सकते हो, नंबर मैं यहाँ पे इनका दे रहा हूँ, बढ़िया है, ले आया हमें। और हमने होटल इंद्रायणी अभी यहाँ पे बुक किया है, 1400 से 1500 का आपको यहाँ पे रूम पड़ेगा। अब रूम कैसा है वो दिखाने के लिए चलिए अंदर चलते हैं। अच्छा इंद्रायणी का कॉन्टैक्ट भी यहीं पर, ठीक है। रूम दिखाना था आप लोग को, 1400 रुपये श्रेयांश बता रहे कि ये पड़ा अपने को, अच्छे से बार्गेनिंग हुई थी यहाँ पे। तो मिरर है, रूम्स की साफ सफाई बढ़िया लगी यार, रूम अच्छा है। वॉशरूम की साफ सफाई दिखा दो यार श्रेयांश भाई। और ये एसी रूम है 1400 में, ये मत समझना नॉन एसी है। सबसे बड़ा मेन दिक्कत होता है लोगों को, वॉशरूम साफ होना चाहिए, वॉशरूम साफ सुथरा है। चलो ठीक है, मोहित भाई का रूम भी दिखा देते हैं आपको। होटल का भी आप रिव्यू देख लो इधर से। तो यहाँ पे है मोहित भाई, ठीक है मोहित भाई रूम 1400 के हिसाब से। चलो अब रेस्ट कर लो, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई शाम वाली यात्रा के लिए निकल रहे हैं, पता है कितना बजा, 3:30 बजा, भयंकर धूप है। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट को घूमने के लिए निकल रहे हैं सभी लोग। देखो यहाँ पे तैयार हो गए, देखो संदीप भाई हैं, श्रेयांश हैं, मोहित भाई हैं, भाभी हैं, सब लोग हैं, बस इंजॉय करने निकलते हैं। और भैया ये आपके लिए, गर्मी है ना, सारे भाई लोग इधर ही हैं, राजस्थानी टच है ना, तो सब इंजॉय करने के लिए। देखो इधर यहाँ पे दो दो चीज़ मिल रहा है, एक रबड़ी भी मिल रहा है, छाछ भी मिल रहा है। सत्या भाई शायद ये पी रहे हैं रबड़ी, रबड़ी हाँ। मीठा मीठा ना, मैंने ये छाछ लिया है नमकीन वाला, मीठा नहीं है रबड़ी, ये भी छाछ जैसे ही होगा, ले लो। गर्मियों में ना छाछ और रबड़ी को ठंडा रखने के लिए यहाँ पे ऐसे कपड़ा लगाया जाता है, आपके यहाँ पे लगाया जाता है कि नहीं बताना जरूर। मैंने पिया बहुत बढ़िया, छाछ ले लिया मैंने, देखो जबरदस्त। आपको पसंद आया, मैंने तुरंत ले भी लिया इधर। जगह का नाम है रोडवेज बस स्टैंड, और ये मतलब पीछे चौराहा भी है, तो अगर आप आ रहे हो ना तो ये छाछ ट्राई करने आ सकते हो, मैं तो रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ी छाछ है। मतलब बढ़िया है, मेरे को मकई वो जो राबड़ी है वो सबसे, राबड़ी भी बढ़िया थी, ये भी बढ़िया है, मतलब जो अगर देखो आप खुद देख लो भाई, ठीक आइटम चाहिए बेस्ट है, स्वाद बढ़िया है। तो भाई राजस्थान आए और यात्रा अगर ऐसे ना हो ना तो फिर कोई मज़ा नहीं है, क्यों भाई? एकदम भाई एकदम मज़ा आ रहा है भाई। गर्मियों में निकल चुके हैं चित्तौड़गढ़ अपने फोर्ट के लिए, एशिया का छोटा मोटा नहीं सबसे बड़ा फोर्ट है, जहाँ घूमने में आपको 3 घंटे से ज़्यादा का समय लगने वाला है, पर मुझे नहीं पता हमें कितना समय लगेगा, सीधे तेज़ तेज़ करेंगे, लेकिन जो चीज़ है एक्सपीरियंस है डिटेल में आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। अच्छा यात्रा की शुरुआत में देखो यहाँ पे श्वेतांबर नाकोड़ा पारसनाथ जी का मंदिर भी देखने को मिला है, जैन मंदिर, वाह वाह वाह। पहले गेट से अपनी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, यही एंट्री होने वाला है एकदम घूम कर, ओए होए होए, ये है कमाल का अपना चित्तौड़गढ़ फोर्ट, एंट्री हो चुकी है, क्या लग रहा है भाई, यहाँ आना मतलब क्या ही बोलूँगा।
पोल से अपनी एंट्री हो चुकी है, मतलब क्या बताऊँ, तब से लगातार एंट्री हो रही है और धीरे धीरे पहुँच रहे हैं अभी। भाई लोग जो है वो टिकट ले रहे हैं, आपको प्राइस वगैरह मैं बता दूंगा। जी भाई लोग वहाँ से टिकट ले रहे हैं, मैं आपको चित्तौड़गढ़ के बारे में कुछ छोटी जानकारी दिखा देता हूँ जिसे आप पॉज करके स्क्रीन पढ़ सकते हो। प्राचीन चित्रकूट कहा जाता था, मेवाड़ की राजधानी इंग्लिश में। यहाँ पे एक बार पॉज कर लेना और इसको देख लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। बाकी टिकट का प्राइस वगैरह संदीप भाई से पूछ लेना। भाई क्या रेट है? 40 रुपीज़ पर हेड। चलो बढ़िया है, देख रहे हो ये है सूरज गोखड़ा, ठीक है। और अभी हम लोग आए हैं यहाँ के मेन एरिया में, जैसे कुंभा पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो जगह तो वैसे काफ़ी बढ़िया है, मतलब पुराने ज़माने की याद ज़रूरी आपको आएगी यहाँ पे आने के बाद। और पीछे गार्डन है, वहाँ एक खूबसूरत सा मंदिर है। देखो काफ़ी नुकसान पहुँचा है क्योंकि काफ़ी पुराने हैं, और सामने जो मंदिर है वो बेहद ही खूबसूरत है। ये देखिए यहाँ का लुक आप। भाई हम लोगों ने गाइड कर लिया था यहाँ पे, और आपको 200-300 रुपए में गाइड मिल जाएंगे। तो आर्किटेक्चर जो है फोर्ट का कुछ ऐसा यहाँ पे हो रखा है अभी। और भी जो जगह है वो दिखाएंगे। सूरज गोखड़ा में सूर्य की जो किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, जब इधर से पड़ती हैं तो दूधिया दिखता है, जब दूसरी तरफ सूर्योदय होता है तब दिखता है ऑरेंज कलर का, और आप गोल्डन कलर भी कह सकते हो। वहाँ पे सब कुछ रहेगा, खेती हो जाती थी, किले में खेती सब कुछ, बिल्कुल पूरे फोर्ट के अंदर। अच्छा। आप फोर्ट को 10 किलो, मतलब इस फोर्ट की चारों किलोमीटर, मतलब चारों तरफ देखते हैं 30 किलोमीटर के डायरेक्शन में इस फोर्ट को देखा जा सकता है। 30 भाई साहब, इतने सारे वाटर टैंक थे यहाँ पे, और जहाँ पानी है वहाँ खेती वगैरह सब चीजें हो सकती हैं। ये पूरा देखो पत्थर कितने पुराने यहाँ पे। ये मर्दाना महल हो गया जी। बीच में जब आप देखते हो ये, इट मींस पूरा उधर देख, उधर देखोगे आप पूरा जैसे खंडर हो चुका है अभी, उनका अब तो नक्शा देख सकते हो पूरा। हाँ हाँ हाँ, ये पूरा एरिया मर्दाना महल के अंदर, मतलब जनाना जो लेडी जनाना रहने का एरिया, वो देखिए। फर्स्ट लेयर में मेल लोग रहते थे, सेकंड लेयर में लेडीज। अच्छा अच्छा, ये पूरा महल है। पहली लेयर में मेल लोग रहते थे, सेकंड लेयर में अंदर तरफ रहती थी लेडीज, बाहर बाहर वाले हिस्से में मेल लोग। तो ऐसे महल की जो सुरक्षा है वो की जाती थी। बहुत बड़ा है ये। तो ये मीरा टेंपल है, सभी चीजें आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, समय थोड़ा कम है यार, गाड़ी भी पकड़नी है, सामान भी पैक करना है, वीडियो भी एडिट करना है। ये जो खूबसूरत सा स्तंभ देख रहे हो, ये है विजय स्तंभ, और यहाँ पे बंदर भी बहुत सारे हैं। खाने पीने का सामान संभाल के लेकर के आना, मैं तो बस पानी लेके आया हूँ यार अभी खरीद के, वो भी 20 रुपये में मिला है MRP में। यहाँ बहुत सारे अंगूर हैं यार, देखो पूरा मतलब भीड़ लगी हुई है। तो मतलब पूरे पेड़ में भी भरे हुए हैं यार। ये है विजय स्तंभ, पूरा पत्थरों से बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत है भाई। लेकिन लाइन से लंगूर बैठे हैं, कुत्ते हैं, संभाल के रहना, किसी को कुचल मत देना वीडियो बनाते बनाते, वरना दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे कस्टर्ड एप्पल का एक पेड़ है, वो आपको और करीब से दिखाता हूँ। मतलब राजस्थान के इस रीजन में आपको ये कस्टर्ड एप्पल बहुत मिल जाएंगे, आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं बताना ज़रूर आप लोग। हमारे यहाँ तो इसे शरीफा भी कहा जाता है, क्यों संदीप भाई? टूटेगा क्या? तोड़ना तो नहीं चाहिए ना, ठंड के दिनों में आते हैं। हाँ नहीं नहीं, सीजन अभी से शुरू है भाई। अच्छा, सीजन शुरू हो जाता है ठंड में, तो रबड़ी मिलती है इनकी संदीप भाई उदयपुर में। हाँ हाँ बिल्कुल, सीताफल की रबड़ी, फल की रबड़ी। हम एक ही कस्टर्ड एप्पल देख के खुश हो रहे थे, यहाँ तो भाई पूरी खेती लगी हुई है यार, क्या ही बोलो। राजस्थान में कस्टर्ड एप्पल की तो भरमार होती है। कुंभलगढ़ वाला याद है ना आपको? कुंभलगढ़ में भी भरे हुए थे, इधर भी देखो ना कितने कस्टर्ड एप्पल लगे हैं यार यहाँ पे। अब मेरा मन कर रहा है तोड़ के खा लूँ, अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। क्या खूबसूरत सी जगह है। राजस्थान में मेन बात ये है ना, जब ठंडा आना शुरू होती है तभी ये कस्टर्ड एप्पल आ जाते हैं, और इनको देख के रहा मेरे से जाता नहीं,
कुंभलगढ़ गए थे तो रास्ते में दो तीन बार रुका के हमने झोले भर भर के खरीदे थे आने जाने दोनों ही टाइम पे। सच बोलूँ तो मुझे, ओ भाई क्या शॉट था ये, क्या जबरदस्त जमती, मजा आया। इंडिया ने जौहर किया था 1303 के अंदर। इंडिया का फर्स्ट जौहर यहीं से स्टार्ट हुआ। जौहर प्रथा इंडिया में फर्स्टली यहाँ से हुई थी, महारानी पद्मिनी के द्वारा। ये जो आप मतलब पूरे इंडिया में यहीं पे फर्स्ट जौहर हुआ, चित्तौड़गढ़ का। यही जौहर स्थान है मेन, वही मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो आप देखते हो ना पूरा यहाँ पे पूरा खाई गार्डन एरिया लग रहा है जी, अभी तो गार्डन मेंटेन किया हुआ है, बाकी यहाँ पे एक जौहर कुंड बना हुआ है। तो यहाँ के वहाँ पर तब के जो वंशज चले आ रहे हैं जिनका रेजिडेंस उदयपुर सिटी पैलेस में है, वो यहाँ पे लक्षराज के फादर थे अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, दोनों भाई हैं। तो कैसे मतलब पता चला कि यहीं पे मतलब जौहर कुंड था कुछ, मतलब ऐसा वो हड्डी वड्डी नहीं थी ना? नहीं, हड्डी नहीं, नहीं। ऑथेंटिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कल्पना से नहीं देखा जाता है। ऑथेंटिकेशन इस वजह से ही कि ये घोमुख के अंदर अभी रानी का पैलेस है, पद्मिनी पैलेस, वहाँ से अंडरग्राउंड टनल बना हुआ है, वो यहीं पे आया करती थी भगवान शंकर के दर्शन वगैरह करके वापस उसी रास्ते से वे। और ये वाला जो एरिया देखते हो ना, ये थोड़ा सा लार्जेस्ट एरिया मतलब डीप एरिया है, यहाँ पे फायर वगैरह सारा एक्चुअल हो जाता था, ठीक है। देव स्थान बोला जाता है जहाँ शंकर भगवान, अभी जैसे अपन जहाँ शमशान होता है ना, वहाँ पे किसी की मूर्ति नहीं होती, ओनली शंकर भगवान की होती है, मतलब शिवलिंग होता है, कहीं भी देखा होगा। ये शमशान है? हाँ, पूरा एरिया शमशान है। तो मतलब आप बोलना चाहते हो सबसे पहले जो जौहर है वो यहीं यहीं पे हुआ था, ये आप देख सकते हो। जौहर प्रथा के बारे में मुझे नहीं पता था, अभी संदीप भाई और गाइड से मुझे बस पता चला कि पद्मावती मूवी में जैसा सीन दिखाया गया कि जब राजा हारने वाले होते थे तो जो उनकी वाइफ होती थी, रानियां होती थी, वो खुद को जौहर करती थी, मतलब आग में खुद की बलि आप कह सकते हो चढ़ा देती थी, ताकि कोई और जो है उन्हें दासी बन के ना रहना पड़े, कोई और ना छू सके, कोई और ना उनका कुछ शोषण कर सके, जो भी चीजें थी, तो उससे अच्छा कि खुद को। और ये पहला चित्तौड़गढ़ से शुरू हुआ था, और इंडिया में कुल 17 हुए हैं जिसमें से 3 यहीं पर हुए चित्तौड़गढ़ में। विदेश्वर मंदिर, भगवान शिव जी का मंदिर है ये। यही वो प्राचीन मंदिर है जिसमें हम लोग आए थे। मंदिर तो बहुत ही खूबसूरत और ठंडा लग रहा है, मतलब यहाँ पे पत्थरों की डिज़ाइन ऐसी होती है ना कि गर्मियों में आपको ठंडा एहसास हो और ठंडियों में आपको गर्मी लगे, कुछ ऐसे इस जगह को बनाया गया है। और सीढ़ियाँ बहुत ही ऊंची हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। आदिवासियों का जो जीवनचर्या थी ना पहले, उसको यहाँ पे गोदा गया है, हिंदी में से गोदा कहा जाता है, गोद के बनाया गया है। देखो एक एक चीज़ को बारीकी से, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, लंबी जगह है लेकिन थोड़ा एडजस्ट करिए मेरे साथ, आपको और दिखाता हूँ कि ये बहुत खूबसूरत लगती है जगह सबसे ज़्यादा। इसके बारे में मैंने इंटरनेट पे बहुत सुना था, बहुत देखा था, और आज इसे मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। गोमुख रिजर्वायर आप इसे कह सकते हो। ये जरूरी है ना भैया, पे या यूट्यूब पे सर्च करते हैं, पूरा जो आप फेस देख रहे हो ये पूरा फेस, यही आपको चित्तौड़गढ़ फेस के रूप में आपको नेट पे दिखाया जाता है, पूरा किले का फ्रंट फेस, ये पूरा बाउंड्री, इसके अंदर पाउंड भी दिखाया जाता है जिसको गोमुख कुंड बोला जाता है, पूरा ये आप देख सकते हैं। इसी के अंदर से वो अंडरग्राउंड रास्ता था क्या जी? अब मैं बताना चाहता हूँ, जैसे महारानी पद्मिनी जो मैंने आपको जिक्र किया था, उनका पैलेस अभी नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना, वहाँ से अंडरग्राउंड टनल बनी हुई है जो कि गोमुख कुंड के यहाँ पे आके इस मंदिर के जस्ट बाजू में आके ओपन होता है। ओके। यहीं पे वो जैसे गोमुख ही अपने पूरे इंडिया में दो हो गए हैं, जहाँ से फर्स्टली जहाँ से गंगोत्री निकलता है, सेकंड यहाँ पर चित्तौड़गढ़, इसी वजह से इसका नाम गोमुख कुंड पड़ा। ये पानी आता कहाँ से है? नेचुरली पानी आता है, जैसे गोमुख में गंगोत्री से पानी पता तो ग्लेशियर पिघलता है, बिल्कुल ग्लेशियर से आ रहा है ये पानी, मतलब नेचुरली आ रहा है काफी टाइम से, अभी तक भी सूखा नहीं है, नहीं सूखा है। अच्छा, और ये कितना डीप होगा? ये डीप तो 90 फीट। 90 फीट? हाँ। ओके, 90 फीट आपको देखते हैं। तो भाई सोचने वाली बात है, हम लोग
किले के पिछले हिस्से में, मतलब आगे वाला जो हिस्सा है, जो किले की सारी एंट्री बनी हुई, जो सारे द्वार बने हुए ईस्टर्न फेसिंग है, तो उस तरफ से बने हुए हैं। तो ये जो जगह है वाकई बहुत खूबसूरत है। फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए देखो मोहित भाई अपने यहाँ पर खिंचा रहे हैं, मैं भी अभी 10-20 फ़ोटो खिंचा चुका हूँ यहाँ पर ऑलरेडी। तो हम लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे, जगह बहुत ही बढ़िया लग रही थी। ये देखो आप लोग है ना, ये है गोमुख कुंड इसे कहा जाता है। और अभी तक ये नहीं पता चला कि इसमें पानी कहाँ से आता है, पर पानी यहाँ पे हमेशा ही बना रहता है। मॉनसून के टाइम पे तो ये जगह जन्नत ही हो जाती होगी, मुझे लगता है पहाड़ में बादल वगैरह आ जाते होंगे, क्यों मोहित भाई? एकदम यार, क्लोज ग्रीनरी और बढ़ जाता होगा। बस एक चीज की कमी हम लोग यहाँ फील करते हैं, मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस अगर यहाँ जोरदार हो जाता तो सब ठीक था। अभी आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि जितनी सुंदर ये जगह है उतना ही इसका मेंटेनेंस होना चाहिए, क्यों मोहित भाई? अरे जरूर। और अभी हम लोग गए थे ना कुंभा पैलेस, जो काफी मतलब मेन जगह है, सबसे मेन जगह है, उसको मतलब चमगादड़ों ने अपना घर बना रखा है। मतलब इतना गंदा स्मेल आ रहा था कि जमीन में पूरा पड़ा हुआ था। तो वो सब चीज़ की साफ सफाई जरूरत है। आप 40 का टिकट ले रहे हो, उससे 100 का करो, लेकिन इसको मेंटेनेंस जरूरत है। आसपास लोगों से हम लोगों ने बात किया, लिटरली लोग प्राउड फील करते हैं कि भाई हम चित्तौड़गढ़ से हैं, हमारे यहाँ मतलब ये राजस्थान की फोर्ट है भाई, एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, लार्जेस्ट फोर्ट है यार। और उसको अगर ऐसा करोगे यार, धरोहर है एक तरह से हमारा, सरकार से निवेदन है, तो चलिए काम करना चाहिए। लोग ले गए चले गए लूट के, लेकिन जो अपने पास है उसको तो संभालो अच्छे से, बात वो है। और संभालने का मतलब ये नहीं कि लेके रख के छोड़ दो, हर चीज़ की व्यवस्था की जरूरत है, हर चीज़ की सुविधा की जरूरत है। यहाँ पे आपको मैं हाल दिखाता हूँ, मतलब यहीं पे आप देख लो ठीक है, ये क्या स्थिति है यहाँ पे। सामने अगर थोड़ा सा भी मेंटेनेंस वगैरह हुआ होता ना तो ये हाल आपको नहीं देखने को मिलता। ये तो चीज़ नेचुरल है, लेकिन सीढ़ी तो लोगों के लिए बनाई जा सकती है जिसमें एक रेलिंग हो, कुछ पकड़ के जाने के लिए हो। मतलब अगर कोई डिसेबल है और जो मतलब हैंडीकैप ऐसा कोई है, वो इधर घूमना उसके लिए बहुत मुश्किल है। बस बस दूर दूर से देख के आपको जाना पड़ेगा। बाकी यही है वो जगह जिसे आप गोमुख कुंड कहते हो। यहाँ पानी कहाँ से आया है, कैसे इतने दिन से यहाँ पे पानी, किसी को नहीं पता, पर पानी यहाँ हमेशा बना रहता है। जगह बहुत खूबसूरत है और मानसून में तो हम उम्मीद करते हैं जगह जन्नत हो जाती होगी। राजस्थान घूम के मजा आ रहा है कि नहीं मोहित भाई? आप मतलब इनके मन में रेगिस्तान वाली इमेज थी यार, मजा आ गया। अभी तो और भी काफी सारे जगह का प्लान हो रहा है हमारा, धीरे धीरे करके फिनिश करेंगे। कि चित्तौड़गढ़ आता है ना, उसके मन में पहला क्वेश्चन होता है कि जौहर क्या था और कैसे क्या हुआ। भाई स्क्रीन को आप पॉज करके उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। बाकी यही वो जगह है जैसा कि आपको पहले भी मैंने दिखाया, यहीं पे पहला जौहर जो है वो यहाँ पे परफॉर्म किया गया था। भाई यहाँ पे हम लोग भेलपुरी ट्राई कर रहे हैं, और साथ में एक चीज़ आपको बता दूं कि आज के हैं पद्मिनी पैलेस, यहाँ की महारानी का जो पैलेस है ना पद्मिनी पैलेस, वहाँ चलेंगे। बस पहले थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए, पहले पेट पूजा फिर बाकी काम दूजा। आपको एक और बना दूँगी? नहीं नहीं बस एक बहुत है, बढ़िया लग रहा है ना। बट एक दिक्कत है, जैसे कि मैंने बताया मेंटेनेंस की कमी है, तो यहाँ डस्टबिन वगैरह नहीं है, तो टूरिस्ट लोग जो है इसको अपना डस्टबिन बना के पूरे में फैलाए हुए हैं। सरकार ध्यान नहीं देगी तो टूरिस्ट ऐसे ही फैलाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूर में अगर डस्टबिन रहता तो भाई इसको व्यवस्थित किया जा सकता था। पद्मिनी पैलेस में आपकी जो एंट्री है ना, कुछ ऐसे यहाँ पे होती है। तो भाई यही वो जगह है जहाँ पे पद्मिनी जी का लिविंग एरिया आप इसे कह सकते हो। चारों तरफ देखो इसके पानी भरा होता था, राजा इसमें बोट से जाते थे, और नहीं तो अंडरग्राउंड का जो रास्ता मैंने आपको दिखाया था उसका सहारा लिया जाता था। काफ़ी सेफ जोन है ये। बाकी यहाँ की साफ सफाई का भी जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा। देखो स्टैग्नेंट वाटर है यहाँ पे, स्थिर पानी, साफ सफाई वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं की जाती है, इसकी मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। तो साइड में वे बना के टूरिस्ट को इसको करीब से दिखाया जा सकता था, भले ही अंदर ना जाए, पर ये जगह कुछ ऐसी है भाई। बाकी सब ठीक है, सब कुछ कहूँगा, लेकिन मेंटेनेंस का जिक्र सभी लोग कर रहे हैं, हम भी वही कहने आए थे। दीवार देखो क्या व्यवस्था है यार, पद्मिनी जी का जो पैलेस है वो उसका पानी भी नहीं साफ है, टच के दूर में है, उसको भी मेंटेन नहीं किया जा रहा है। अलग तरह के जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं उनके नाम, हाँ, नाम भाई हर जगह ये मतलब भाई अंदर उड़ा उड़ा सब फैला हुआ है, विमल पड़ा हुआ है, लिख के रखा था क्या नाम वगैरह? हाँ, हाँ, वो प्रेमी प्रेमिका तो वो इंडियन से लिखते हैं, बाकी कोई नहीं लिखता है। वो इतिहास में खुद को शामिल करना चाहते हैं तो कर देते हैं, जबरदस्ती शामिल इतिहास में उन्होंने लिखा। भाई देख लो, हम लोग थोड़ा ओपन स्पेस चाहते थे तो थोड़ा बाहर तरफ आ गए। यहाँ से आपको थोड़ा व्यू दिखा देते हैं, ये देखो पानी नीचे भरा हुआ है, यहाँ पे भी क्या खूबसूरत लगता है, पता है राजस्थान के सनसेट, राजस्थान के सनसेट का कोई तोड़ नहीं। ये देखो
बाकी नीचे कमल वगैरह के फूल भी लगे हुए हैं। ये कमल वगैरह के फूल लगे हुए हैं और वही है पद्मिनी जी का लिविंग रूम, लिविंग एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था। पूरा पानी से घिरा हुआ चारों तरफ से, सुरक्षा बहुत अच्छी थी, बस मेंटेनेंस भी काश अच्छी हो जाए। मैं मतलब इसलिए बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ ना, क्योंकि जगह इतनी खूबसूरत है, इसको एक टच की ज़रूरत है। भाई आप लोगों को पहली चीज़ मैं बता दूं कि पीछे है अपने सूरज पोल, सूरज गेट, ठीक है। और मुझे पसंद आई यहाँ पे सनसेट। मैं आ गया दूसरी तरफ। ये किला जो है बहुत ही खूबसूरत जगह में बना हुआ है और अब मौसम शाम के समय में ठंडा होता चला जा रहा है। और पता है यहाँ सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? यहाँ की सनसेट भाई, ये देखिए, तो कुछ ऐसी सनसेट यहाँ पे ढल रही है। क्या ही बोलूं, क्या तारीफ करूं मैं इस जगह के बारे में यार, ये बहुत खूबसूरत लगता है मेरे को। कोई भी शहर हो, कोई भी जगह हो, वहां के सनसेट से मुझे अलग ही प्यार है। तो ये है किले का मेन एंट्रेंस, इसे आप फ्रंट एंट्रेंस भी कह सकते हो। ये देख लो क्या बनाया गया भाई, बताओ इसके आगे कोई कैसे यहाँ चढ़ेगा। मतलब कोई हमला करना चाहता था पुराने जमाने में तो उसे ये सब पूरा चढ़ना पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई, बहुत डिफिकल्ट होता था, बहुत डिफिकल्ट। पूरा नीचे तक रास्ता बना हुआ है और इसे सूरज पोल क्यों कहते हैं आप समझ ही गए होगे ना। ये देखो वहाँ सूरज तो रहा है, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ मौसम अलग ही लेवल का ठंडा है। और यहाँ पे है कस्टर्ड एप्पल के खूब सारे फार्म, जिसमें कस्टर्ड एप्पल देखो एकदम लोअर हाइट पे लगा हुआ है। देखो कितना बगल में लगा हुआ है। और चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा कस्टर्ड एप्पल होते हैं, ये चीज़ आपको शायद ना पता हो, सबसे ज़्यादा। और यहाँ के ही कस्टर्ड एप्पल सबसे ज़्यादा फेमस भी हैं इंडिया में, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। उदयपुर में सीज़न में आपको इनकी रबड़ी वगैरह सब देखने को मिलेगी। काफ़ी लो हाइट पे लगे हुए हैं, मतलब आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर हम तोड़ेंगे नहीं, वो अलग बात है। अब इंतजार रहेगा भाई, ठंड में आएंगे एक बार और इनको खाएंगे भी। अभी तो सारे कच्चे हैं पर तैयारी हो चुकी है। नहीं यार बहुत बढ़िया लग रहा है यार, बस घूमने आए थे, कुछ तोड़ना वोड़ना नहीं है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार, देखो एक एक फल का अलग मज़ा है, सोने का अलग मज़ा है इनको। ये देखो बहुत ही खूबसूरत जगह है, मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, शाम बिता करके। मेन चीज़ तो मैं ये कहूँगा आपसे, अभी हम लोग तब से घूम ही रहे हैं ये सब जगह, तो आप लोगों ने मेरे साथ देखा है। और यहाँ पे आपको मैं जैन धर्म का कीर्ति स्तंभ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये रहा जैन धर्म का कीर्ति स्तंभ। फिर यहाँ पे ऐसे कुछ मंदिर जैसा बनाया गया है, काफी खूबसूरत सा आर्किटेक्चर। और सामने आप देख लो भाई, रोड भी है साथ में, तो ट्रैफिक आवाज़ भी आपको आ ही रहा होगा, माफ़ कर देना उसके लिए। और जो रियल एक्सपीरियंस है वही आपसे शेयर करूँगा मैं, जो आप खुद यहाँ के एक्सपीरियंस करोगे। यहाँ पे भाई खाना पीना मत खाना, कूड़ा मत फैलाना, मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है। ऐसे डस्टबिन वगैरह आपको कहीं कहीं मिल जाएंगे, वहाँ पर चीज़ें फेंकना, थोड़ा ख्याल रखना आप लोग इस चीज़ का, क्योंकि हम ही लोग हैं जिनको इन जगहों को साफ रखना। सनसेट हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। फोर्ट के अंदर देखो रिहायशी इलाके बने हुए, रिहायशी इलाके, लोग यहाँ रहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, तो भाई ये सभी चीजें ऊपर आपको मिलती हैं। अगर आप राजस्थान आओगे, जयपुर उदयपुर कहीं भी आओ, आपको 100 ग्राम वाली रजाई का कॉन्सेप्ट एक तो हर जगह मिलेगा, और बाकी साड़ी से लेकर सभी चीजें जो पहनने वाली है वो आपको मिलेंगी, ठीक है। ये देखो ये वही वाली रजाइयाँ, एकदम हल्की वाली। आप देख लो ये सीताफल से बने हुए साड़ी है, मतलब सीताफल के रेशों से, नारियल की भी उपलब्ध है यहाँ पे। ऐसे स्मेल आ रही है, बाद में बनने के बाद इसमें प्रोसेसिंग के बाद स्मेल भी डाला गया है। ये सीताफल की बनी हुई साड़ी है, यानी कस्टर्ड एप्पल की, जिसको मैं आपको दिखा रहा था ना तब से,
तो उसकी ही बनी हुई है। देखो एक एक रेशा एक एक फाइबर आप देख लो। इनका रेट है 1050। चाहे तुलसी की भी साड़ी उपलब्ध थी, कोकोनट की भी थी, और ये तीनों चीज से बनाए हुए साड़ी, और ये 2050 बता रहे हैं। होम डिलीवरी करवा रहा हूँ, अब देखते हैं पहुँचेगा कि नहीं और कब पहुँचेगा मोहित भाई। ठीक है, अब तारीख देख लो, तारीख देखा आज 8 तारीख है, देखते हैं 5-6 दिन में पहुँच गया तो अच्छा है, 10 दिन में भी पहुँच गया तो बहुत अच्छा है। भाई नहीं पहुँचा तो क्या करना, नंबर बता दो यार कहाँ कॉल करना है। अच्छा रसीद दे रहे हो, चलो ठीक है। चित्तौड़गढ़ में अगर डिनर करना है ना तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये होटल चेतक में आप आ जाना, ये बहुत बढ़िया होटल है, हम लोग एक बार खा चुके हैं इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। बस स्टेशन के जस्ट सामने है ये चेतक, ठीक है। चेतक होटल में आके आप डिनर कर सकते हो। वैसे हमने खाना यहाँ राजस्थानी ऑर्डर किया, वो आपको दिखाएंगे भी। राजस्थानी खाना देख लो यहाँ पे, सेव टमाटर काजू की सब्जी, ये अपनी सेव दूध खाई नहीं होगी आप लोगों ने, ये दूध की सब्जी है, साथ में पुलाव और रोटियाँ। इधर ये अपना प्लान था आज का, लंच तो हो गया स्किप, इसलिए सोचा ज़बरदस्त खाना पीना खाएंगे। छाछ है और सोडा भी है। भाई सबसे पूछ ज़रूर लूँगा मैं कि सबको खाना कैसा लगा है, क्योंकि सेव दूध की सब्जी मुझे लगता है मोहित भाई ने तो पहली बार खाई थी। मोहित भाई टेस्ट करके बताओ यार कैसी है ये सेव दूध। अरे यार ये पहली बार मैं खा रहा हूँ, डिफरेंट है यार एकदम, सेव और रोटी के साथ अच्छा लगेगा ना। अभी सेव टमाटर, अभी ऐसा भूख लगा है ना भाई, अभी कुछ भी खिला दो सब बढ़िया लगेगा। उसमें जब अच्छा खाना मिल जाए तब तो चार चांद। संदीप भाई डोसा ट्राई करते हुए, हमेशा डोसा यहाँ का बहुत अच्छा होता है। लास्ट टाइम हमने खाया था जब कोई गाड़ी पकड़नी थी ना जयपुर हैदराबाद जयपुर। भाई इसे फिनिश करता हूँ यार, भूख बहुत लगी, बहुत टेस्टी खाना है। 10/10 रेटिंग दूंगा, इससे ऊपर होता तो वो भी देता आज मैं। फाइनली टाइम टू चेक आउट, और अभी हम लोग होटल इंद्राणी से निकल रहे हैं। भाई बस यहाँ पे जो स्टे था वो बजट फ्रेंडली था, 1500 रुपये में स्टे मिल गया, खाने के लिए चेतक में बढ़िया खाना मिल गया, तो ओवरऑल चित्तौड़गढ़ का एक्सपीरियंस अपना बढ़िया था। ठीक है अजीज़ भाई, मिलते हैं फिर कभी, अगर आप लोग चित्तौड़गढ़ आ रहे हो तो भाई इनसे ज़रूर मिलना, ऑटो है आपको बढ़िया रेट में घुमा देंगे, हमारा नाम लोगे तो थोड़ा बहुत आपके लिए कम ज़्यादा भी कर देंगे, क्यों भैया? ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अपन लोग निकलते हैं, ट्रेन है अभी यहाँ पे अपनी। बाकी फाइनली पूरा दिन घूमे मोहित भाई, पूरा दिन चले हैं, और आंखें देख लो भाई, आंखें देख लो हमारे, और जो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट घूमे 4 घंटे बिना सोए जागे, भाई ऐसी थकान हो रही है, मन कर बस गाड़ी आए और फैल के सो जाए, सीधा इंदौर में मिले आपसे वीरभूमि। अगर कोई चित्तौड़गढ़ से देख रहा है ना फोर्ट का, मतलब जो कंडीशन है ना काफी खराब हो रखा है, पता नहीं क्या रीजन है इसके पीछे, बट मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अगर कोई देख रहा है यहाँ से तो प्लीज यार थोड़ा यार ये सब चीज देखो, चित्तौड़गढ़ जाना ही जाता है इस चीज़ के लिए तो। और उसी चीज़ के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारा वीडियो लोगों तक पहुंचेगा, चीज़ें पहुंचेंगी और हो सकता है आने वाले समय सुधार देखें, शायद हो भाई कहीं से कुछ भी हो जाए, थोड़ा फिर आएंगे घूमने फिरने मिलने आप लोगों से। बाकी चित्तौड़गढ़ का स्टेशन एक बार आपको दिखा देता हूँ, रेलवे स्टेशन दिखा देता हूँ, रात की सुविधाएं दिखाता हूँ, और वीरभूमि एक्सप्रेस में यार चढ़ा जाए यार, नींद बहुत भयंकर आ रही है, सोने के लिए जा रहे हैं सब बस। हाँ रात की जर्नी 11 बजे चलेगी, सुबह 6:30 पहुँचा देगी, क्या ही उसमें करेंगे नया। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे साथ चित्तौड़गढ़ घूम करके मजा आया होगा। अभी आप लोगों ने देखा ही कैसे हम लोगों ने वीरभूमि एक्सप्रेस को बोर्ड किया है, वीरभूमि चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस का नाम इसीलिए पड़ा है, पहले ट्रेन पहले आती थी केवल चित्तौड़गढ़ तक, फिर एक्सटेंड हुई उदयपुर तक, और लास्टली अभी ट्रेन अहमदाबाद तक जा रही है अपने सफर को पूरा करते हुए, और हम लोग 3 AC में ट्रैवल कर रहे हैं। देख लो सभी लोग हैं साथ में, सब एकदम बढ़िया से थके हुए हैं आज पूरा फोर्ट में चल के घूम के, अब यहाँ पे सोते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और नए वीडियो में एक नई एक्साइटमेंट आपका इंतजार करिए, कुछ सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।